ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक काफ़ी जाने माने कॉमेडियन और एक्टर कवि कुमार आज़ाद के बारे में। लेकिन दोस्तों, हम सभी उन्हें डॉक्टर हाथी के नाम से पहचानते हैं। और दोस्तों, वो ऐसे एक्टर हैं जो कि अपने असली नाम के बजाय अपने रोल वाले नाम के लिए पहचाने जाते हैं। और कई सालों से डॉक्टर हाथी का रोल सब टीवी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अदा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उनके बारे में थोड़ा और करीब से जानते हैं। दोस्तों, कवि कुमार का जन्म 12 मई 1972 में बिहार के सासाराम शहर में हुआ था। और दोस्तों, बचपन में उनके शहर में एक काफ़ी जानी मानी कॉमेडियन उमा देवी, जो कि टुनटुन नाम से जानी जाती थी, उनसे कवि कुमार काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने सोचा कि वो भी अपना करियर एक्टिंग में ही बनाएंगे। और दोस्तों, इसी वजह से उनकी एक हॉबी एक्टिंग बनी। और दोस्तों, इसके अलावा उन्हें राइटिंग का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिस वजह से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने जल्द से जल्द मुंबई जाने का सोचा और वो वहाँ पे चले भी गए। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ उनके पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि कवि कुमार एक्टिंग में अपना करियर बनाए, जिस वजह से उन्हें बिना बताए घर से भाग के आना पड़ा। और यही कारण था कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और यहाँ तक कि ये नौबत आ गई थी कि उन्हें फुटपाथ पे रहना पड़ा था और उनके पास खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन दोस्तों, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ ही समय बाद उन्हें बादशाह मूवी में एक काफ़ी छोटा सा रोल मिला और कुछ ही समय बाद उन्हें मेला मूवी में भी एक छोटा रोल मिला। दोस्तों, उनकी एंट्री बॉलीवुड मूवीज़ में तो हो गई थी, लेकिन लोग उन्हें पहचाना नहीं करते थे क्योंकि उनके रोल काफ़ी छोटे हुआ करते थे। इसके बाद उन्होंने 2001 से 2003 तक डीडी नेशनल के एक टीवी शो जूनियर जी में भी अपना रोल अदा किया। लेकिन दोस्तों, इस रोल से भी उनकी कोई मदद नहीं हुई। दोस्तों, इसके अलावा वो डिज्नी के बेस्ट ऑफ लकनिकी में जानबाज जादूगर का भी एक रोल कर चुके हैं। और दोस्तों, इसके चलते उन्हें और भी कई मूवीज़ में रोल मिले, जैसे कि फंटुश, आबरा कडाबरा, क्योंकि और जोधा अकबर। दोस्तों, यहाँ तक इतनी मेहनत करने के बाद उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई और उन्हें अभी तक कोई लीड रोल नहीं मिला था, बजाय उसके उन्हें सिर्फ साइड रोल और छोटे मोटे रोल ही मिलते गए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और जब वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया और फाइनली कवि कुमार आज़ाद को डॉक्टर हंसराज हाथी के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया। और दोस्तों, 2008 से 2018 तक पूरे 10 साल उन्होंने डॉक्टर हंसराज हाथी का काफ़ी अच्छा रोल अदा किया। और दोस्तों, यही एक वजह है कि लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करने लगे। और दोस्तों, इस शो के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए और कई लोग उन्हें पहचानने लगे और उनके फैन बने। लेकिन दोस्तों, 9 जुलाई 2018 को उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और दोस्तों, उसी दिन हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम के लिए और उनके फैंस के लिए काफ़ी चौंका देने वाली खबर थी। और दोस्तों, इसके लिए शो के ओनर ने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए पूरा एक दिन सिर्फ डॉक्टर हाथी के ही एपिसोड्स सब टीवी चैनल पर प्ले करवाए थे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर हाथी मुंबई आने से पहले जब बिहार में थे तो उनका वजन तकरीबन 215 किलो था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बॉडी पे वर्क करना स्टार्ट किया और वेट लूज सर्जरी को यूज़ करके उन्होंने 80 किलो से भी ज़्यादा अपना वज़न घटाया और इसके बाद उनका वज़न 140 किलो हो गया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कवि कुमार आज़ाद, या फिर मैं कहूँ डॉक्टर हाथी, क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा बड़े फ़ैन थे और वो इंडियन टीम का कोई मैच मिस नहीं करते थे और आईपीएल में भी उनकी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस थी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कवि कुमार आज़ाद अपने एक फेमस डायलॉग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जो कि है सही बात है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक्टिंग के साथ साथ कवि कुमार की हॉबीज़ में राइटिंग भी शामिल है, जिस वजह से जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता था वो पोएम्स भी लिखा करते थे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कवि कुमार आज़ाद के फेवरेट एक्टर वीरदास और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस पार्वती यादव थी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।